जागृति का परिणाम लैटरल एंट्री रद्द। देश के मूल निवासियों की एक और जीत हुई है। हाल ही में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों में 45 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें सभी पदों को लैटरल एंट्री के माध्यम से ही भरा जाना था। हर बार की तरह इस बार भी लैटरल एंट्री द्वारा की जाने वाली भर्ती का विरोध हुआ, जिसके बाद मजबूरन केंद्र सरकार को इस पर रोक लगानी पड़ी। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। लोग पूछते हैं कि फूले अंबेडकरी विचारधारा वाले संगठन क्या करती है। बंद कमरे में बस लोगों को समझाती रहती है। बामसेफ और उसके ऑफ सूट विंग संगठनों द्वारा BS4 यानी भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान के तहत मूल निवासियों को संविधान और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। बामसेफ के सैकड़ों कैडर आज देश भर में SC ST OBC और माइनॉरिटीज को एक मंच पर लाने का काम कर रही है और संविधान के प्रति जागरूक कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज संविधान विरोधी मानसिकता भी देश के सामने खुद को संविधान प्रेमी साबित करने में लगी हुई है। बामसेफ और इसके ऑफ सूट विंग्स हमेशा से ही लैटरल एंट्री के विरोध में रहे हैं, क्योंकि लैटरल एंट्री किसी भी रूप में संवैधानिक नहीं है। बामसेफ अपने कार्यक्रमों में हमेशा से ही बताती आई है कि कैसे लैटरल एंट्री से मूल निवासी समाज के हक अधिकारों का हनन किया जाता है। वर्षों तक सरकार ने लैटरल एंट्री के जरिए संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे पदों पर भर्तियां की, जिसमें SC ST और OBC की संख्या न के बराबर थी। हाल ही में एक बार फिर बीते 17 अगस्त 2024 को UPSC ने एक विज्ञापन जारी कर 24 केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर लैटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इन 24 केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के कुल 45 पदों को लैटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना था, लेकिन भारी विरोध के बाद इस सीधी भर्ती को रद्द कर दिया है। इस विषय पर केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। मंत्री ने यूपीएससी की तरफ से सीधी भर्ती यानी लैटरल एंट्री से जुड़े विज्ञापन को रद्द करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार के पत्र के बाद सचिव हमेशा रविशंकर ने यूपीएससी की तरफ से विज्ञापन को निरस्त करने की सूचना जारी की। उन्होंने कहा कि 45 पदों पर लैटरल एंट्री के लिए निकाले गए विज्ञापन संख्या 54/2024 को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से मिले अनुरोध पत्र के आधार पर 17 अगस्त को जारी विज्ञापन को रद्द किया जाता है। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।